इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया बॉयज में आपका स्वागत है। विदेशों में एक और हार से आहत भारत अब स्वदेश में अपना दबदबा कायम रखते हुए विजयी राह पर लौटने और ऑस्ट्रेलिया के कड़े दौरों से पहले टीम संयोजन को सही स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुवार को यहां अनुभवहीन वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलने के लिए उतरेगा। भारत को पिछले 9 महीनों में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तब भी टेस्ट मैचों में दुनिया की नंबर एक टीम भारत बनी हुई है। ऐसे समय में वेस्टइंडीज पर बड़ी जीत से विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम का मनोबल बढ़ेगा, जिसे नवंबर में शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियाई दौरे में फिर से कड़ी परीक्षा से गुजरना है। भारत को 8वें नंबर की वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत से बहुत कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन कैरेबियाई टीम अपना प्रभाव छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसे भारत के खिलाफ 202 के बाद अब अपनी पहली जीत का इंतजार है, जबकि भारतीय सरजमीं पर उसने 1994 के बाद कोई मैच नहीं जीता। भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे में कई बदलाव करने के कारण आलोचना झेलनी पड़ी और उसके बाद सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और शिखर धवन को अपनी जगह गंवानी पड़ी। यहां तक कि इंग्लैंड दौरे में बेंच पर बैठे रहने वाले करुण नायर को बाहर की जाने भी टीम चयन पर सवाल उठने लगे हैं। ये तय है कि भारत इस मैच में नई सलामी जोड़ी के साथ मैदान पर उतरेगा। केएल राहुल प्रतिभाशाली पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर पारी का आगाज करेंगे। इनकी जोड़ी भले ही यहाँ चल जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में वो चल सके, जहाँ की परिस्थितियाँ पूरी तरह भिन्न है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो भारत का 3 स्पिनरों आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के साथ खेलना तय है। जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को विश्राम देने की ईशांत शर्मा की चोटिल होने के बाद उमेश यादव और मोहम्मद शमी तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। चोटिल हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में जडेजा ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। एशिया कप में वनडे में शानदार वापसी करने वाले जडेजा अपने घरेलू मैदान पर चमक बिखेरने के लिए तैयार होंगे। एक अन्य खिलाड़ी ऋषभ पंत पर भी निगाहें टिकी रहेंगी, जिन्होंने ओवल में 114 रन की पारी खेलकर टीम में अपनी जगह सुरक्षित रखी है। ओवल में अपने पर्दापण पर 56 रन बनाने वाले हनुमा विहारी को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि टीम 5 विशेषज्ञ गेंदबाजों को उतारना चाहती है। भारत की ये सबसे दमदार टीम नहीं है, लेकिन तब भी वो अनुभवहीन वेस्टइंडीज पर दबदबा बनाने में सक्षम है। कैरेबियाई टीम में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें भारत में खेलने का खास अनुभव नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया वॉइस। इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।